पोटर एल्गोरिथम बेसिकली स्टेमिंग का ही एक टेक्निक है, और स्टेमिंग इसमें होती है, स्टेमिंग बेसिकली होती क्या है कि जो एक जो वर्ड है उसमें जो इसकी इंफ्लेक्शनल एंडिंग है, जो इसका एफिक्स वगैरह है, उसको वो कट करके रिड्यूस कर देता है उसकी बेस फॉर्म में या स्टेम फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स हैं, जैसे स्कैंड है, और स्कैंड में जो इसकी लास्ट एंडिंग है NET, इसको वो कट कर देगा और रिड्यूस कर देगा उसकी बेस फॉर्म में, जैसे कि स्कैन है। और इसके बाद नीचे वाली एग्जांपल इंडिकेशन, इसी में इसमें भी वो इसी तरह करेगा, जो लास्ट इसकी एंडिंग है सफिक्स वगैरह उसमें, उसको ION को खत्म कर देगा उसको, और उसको रिप्लेस कर देगा, रिड्यूस कर देगा उसकी बेस फॉर्म में, जैसे कि इंडिकेट। ये स्टेमिंग इसलिए होती है ताकि परफॉर्मेंस जो होती है उसकी बेहतर की जा सके। जैसे बैग ऑफ वर्ड है, उसमें स्टेमिंग की वजह से उसका जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा, उसकी जो परफॉर्मेंस जो है ना वो बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट, पोटर स्टेमिंग मेथड की हिस्ट्री क्या है? पोटर स्टेमिंग मेथड जो है ना बेसिकली एक रूल बेस्ड मेथड है, कुछ रूल्स इसमें अप्लाई होते हैं और रूल्स को यूज करके हम लोग वो रिड्यूस करते हैं इसकी बेस फॉर्म में। पोटर स्टेमिंग एल्गोरिथम जो पहले है ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1980 में, और इसको इंट्रोड्यूस किया था मार्टिन पोर्टर ने। इसने एक पेपर लिखा था जिसका नाम है एन एल्गोरिथम फॉर सफिक्स चेकिंग, जिसमें उसने ये एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस किया था, और इस एल्गोरिथम को गूगल स्कॉलर में मोर देन 12,000 टाइम साइट किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इनपुट क्या है। इनपुट यह है, कोई भी जैसे वर्ड है जैसे कंप्यूटेशनल या कंप्यूटर, उसमें जो इसकी एंड पे कुछ सीरीज ऑफ स्टेप परफॉर्म होंगे, और जो उसकी एंडिंग है इंफ्लेक्शनल एंडिंग या उसके जो सफिक्स हैं उसको वो कट कर देगा और रिड्यूस कर देगा उसकी स्टेम फॉर्म में। और जो वर्ड होगा बेसिकली जो यूज होगा इस नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करने के लिए वो होगी इनपुट। नेक्स्ट, एक्यूरेसी, ये जो मेथड है ये एक्यूरेट नहीं है, ये यूज होता है परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए। जैसे कि कोई एक वर्ड है, कोई एक क्यूरी करता है यूजर कंप्यूटेशनल, तो वो कंप्यूटेशनल उसको इस एल्गोरिथम के जरिए उसको रिड्यूस कर देगा उसकी नेक्स्ट फॉर्म में, जैसे कंप्यूट या कंप्यूटर, और ऐसे डॉक्यूमेंट्स या जो वो वर्ड कंटेन कर रहे होंगे उनको भी रिट्राइव कर देगा, तो जिससे उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। नॉट फॉर एक्यूरेसी कि वो कंप्यूटेशनल वाला ही सिर्फ डॉक्यूमेंट रिट्रीव नहीं करेगा, जो उसकी स्टेम फॉर्म में कंप्यूट या कंप्यूटर वाले डॉक्यूमेंट भी वहां पे शो करवा देगा। नेक्स्ट, जो वर्ड है वो डिवाइड होता है इसमें दो फॉर्म में, पहला स्टेम और लास्ट में उसकी जो एफिक्स वगैरह है। जैसे कि यहाँ पे नीचे एग्जांपल दी गई है जनरलाइजेशन, यहाँ पे जनरल ये उसकी स्टेम फॉर्म है, आगे आइजेशन और एस ये इसके एफिक्स हैं। इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स अप्लाई होंगे, पहले वो एक स्टेप में एस को खत्म करेगा और नेक्स्ट आइजेशन को, और फिर रिड्यूस कर देगा उसकी रूट फॉर्म में। पोटर स्टेमर एल्गोरिथम एक रूल बेस्ड एल्गोरिथम है, इसमें कुछ रूल्स अप्लाई होंगे, जैसे कि एक एग्जांपल है इसकी एशनल, ऐसा वर्ड जिसके एंडिंग जिसमें हो रही है एशनल पे, तो वो उसको रिप्लेस कर देगा एट से ही। इसकी एक कंडीशन या इसका एक रूल है, जैसे कि रिलेशनल एक वर्ड है उसके एंड पे एशनल जो है ना उसको रिप्लेस कर देगा एट से, तो वो जो वर्ड है रिलेशनल से बन जाएगा रिलेट। नेक्स्ट, पोटर स्टेमर एल्गोरिथम में जो डेफिनेशन में हम लोग देखते हैं, जो वर्ड होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं उसके लेटर्स की बेस पे कॉन्सोनेंट और वॉवल में। कॉन्सोनेंट क्या होता है? ऐसे लेटर्स जो ए ई आई ओ यू और वाई के अलावा जितने भी लेटर्स होंगे उसको हम कॉन्सोनेंट कंसिडर करेंगे, और नेक्स्ट जितने भी दूसरे ए ई आई ओ यू होंगे वो वॉवल्स होंगे। इसमें वाई भी एज अ कॉन्सोनेंट, वाई बी इन वाई के अलावा भी हम लोग इसमें उसी में कंसिडर करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो होते हैं वो वाई से एंड हो रहे होते हैं, तो उसको भी हम लोग रिड्यूस करेंगे।
लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि अगर वाई से पहले वॉवल आ रहा होगा तो वो वाई नहीं चेंज होगा, लेकिन अगर उससे पहले कॉन्सोनेंट हो रहा होगा तो फिर वो उसको चेंज कर देगा। जैसे कि यह टॉय है, टॉय में वाई से पहले वो आया हुआ है जो कि एक वॉवल है, तो फिर वाई ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर इससे पहले एस है कॉन्सोनेंट जैसे जी है या जी है तो देन उसको फिर कर देगा, मतलब वाई को अंदर से रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट इसमें ये वाली कंडीशन है, इस फॉर्म में हम लेटर्स को देखें, लेटर्स नहीं इसमें वर्ड्स को हम इस फॉर्म में देखेंगे, पहले कॉन्सोनेंट फिर वॉवल कॉन्सोनेंट, और नेक्स्ट एम उसकी मेजर है कि वॉवल कॉन्सोनेंट इकट्ठा कितनी दफा आया है, और नेक्स्ट लास्ट पे वॉवल। मैं जरूरी नहीं कि शुरू पे कॉन्सोनेंट और वॉवल भी आए, ऐसे के नीचे यहाँ पे ये सी में बताया गया है कि जो सी है यहाँ पे स्ट्रिंग हो सकती है वन और मोर देन वन कॉन्सोनेंट भी आ सकते हैं और नल भी आ सकता है, मीन्स के जो वर्ड्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट पे भी शुरू हो सकते हैं और नल मीन ऐसा वर्ड जो कॉन्सोनेंट पे नहीं शुरू होगा तो वो भी शुरू पे उसके वॉवल आ जाएगा, वॉवल से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह वॉवल में भी कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो एंड हो रहे होते हैं मोर देन वन टाइम भी वॉवल आ सकता है और नल भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि जो वो एवरी वर्ड जो होता है वो एंड हो रहा हो वॉवल से। तो इस फॉर्म में हम उसको काउंट करेंगे और फिर उसकी मैया करेंगे। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें, पहला जो टी है वर्ड, इसमें सबसे पहले शुरू पे टी क्या है कॉन्सोनेंट और आर भी कॉन्सोनेंट है वो वॉवल है, नेक्स्ट यू भी वॉवल है, बी कॉन्सोनेंट है, एल भी कॉन्सोनेंट ई जो है ये वॉवल है, एस जो है ये कॉन्सोनेंट है, और इसमें ये शुरू पे टू टाइम कॉन्सोनेंट आया इसको कंसिडर करेंगे ऐसा एज अ वन सी, क्योंकि इसमें यहाँ पे ऊपर भी बताया गया है वन टाइम आया और मोर देन वन टाइम, वो यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में एज अ सी लिखेंगे। नेक्स्ट पे टू टाइम वॉवल्स आया वो वॉवल कंसिडर होगा, नेक्स्ट टू टाइम कॉन्सोनेंट होया वो कॉन्सोनेंट उसको लिखेंगे, नेक्स्ट फिर वॉवल वन टाइम और लास्ट पे कॉन्सोनेंट, तो ये बन जाएगा कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट और वॉवल कॉन्सोनेंट। यहाँ पे इसकी मैयर हम लोग इस तरह लिखेंगे कॉन्सोनेंट वॉवल और कॉन्सोनेंट, और फिर वॉवल और कॉन्सोनेंट का पेयर साथ में टू टाइम्स आया है तो इसका हम लोग इसके नीचे आ जाएगा उस फॉर्म में। ये लिखा जाएगा इस फॉर्म में कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट और ऊपर टू इसकी मैया है कि दो दफा साथ में आया। इसी तरह इसके सबकी पोटर स्टेमिंग एल्गोरिथम में इसी फॉर्म में उसको वर्ड्स को देखेंगे मैयर करेंगे। नेक्स्ट उसकी कंडीशन है स्टेमिंग में, सबसे पहली है मैयर की फॉर्म में, मैयर अगर जीरो होगी जैसे कि यहाँ पे इसी एग्जांपल देखें, मैयर जीरो का मतलब ये है कि वॉवल कॉन्सोनेंट साथ में एक भी दफा नहीं आएंगे, जैसे टी और आर यहाँ पे टी और आर, पहले टी क्या है ये एक कॉन्सोनेंट है और आर भी एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट ओनली कॉन्सोनेंट मैयर इसकी वॉवल कॉन्सोनेंट एक भी दफा साथ नहीं आएगी तो इसकी मैयर जीरो होगी। इसी तरह डबल ई टू वॉवल्स हैं इसकी भी मैयर ये वॉवल्स वो ओनली आ जाएंगे और ये इनमें से कोई भी नहीं है ना इसकी मैयर है वॉवल कॉन्सोनेंट साथ में आएगी तो इसकी भी मैयर जीरो होगी। इस तरह मैयर वन मतलब कि वॉवल और कॉन्सोनेंट एक टाइम तो जरूर ही साथ में आएंगे, तो जैसे इसको हम लोग काउंट करें तो इसमें इसकी मैयर वन बनेगी इसकी भी वन बनेगी और इनको काउंट करें तो इनकी मैयर टू बनेगी। इसकी पहली कंडीशन तो ये है कि
मैयर दी होगी क्योंकि इतने टाइम ये सारी चीजें आएंगी साथ में। नेक्स्ट कंडीशन इसकी सेकंड वाली है, नेक्स्ट सेकंड वाली कंडीशन में आ जाता है कि जो स्टेम है वो वर्ड जो एंड हो रहा होता है किसी भी गिवन लेटर होगा उससे एंड हो रहा होगा, और शुरू पे वोवल और कॉन्सोनेंट में कोई भी आ सकता है। यहाँ पे जो एक्स है वो ये डिनोट कर रहा है कि ये एंड होगा, कोई भी गिवन लेटर होगा उससे लेटर्स में सारे लेटर्स में, और शुरू पे जो है ना स्टार डिनोट कर रहा है, शुरू पे वोवल और कॉन्सोनेंट में कोई भी आ सकता है और नल भी हो सकता है। देन थर्ड वाली जो कंडीशन है इसमें है दरमियान में वॉवल होगा और शुरू पे और लास्ट पे कुछ भी आ सकता है वॉवल कॉन्सोनेंट में से। देन फोर्थ वाली कंडीशन में है कि जो लास्ट होगा वो डबल कॉन्सोनेंट से होगा, दो दफा कॉन्सोनेंट आएगा और शुरू पे वॉवल और कॉन्सोनेंट में कुछ भी आ सकता है। और इसी तरह जो फिफ्थ वाली कंडीशन है उसमें ये है कि एंड होगा कॉन्सनेंट वॉवल कॉन्सनेंट से और शुरू पे कुछ भी आ सकता है, और जो फाइनल कॉन्सनेंट है वो डब्ल्यू एक्स और वाई जो है ना वो नहीं होगा इसमें। ये है नेक्स्ट। इसमें कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स को फॉलो करते हुए ही वो पोटर स्टेमिंग होगी और रिड्यूस करेगा उसकी रूट फॉर्म में। सबसे पहले ये इसकी एक कंडीशन है, सबसे पहले जो पीछे हम लोगों ने कंडीशन डिस्कस करी है इसमें से कोई एक आएगी मैयर की फॉर्म में या कोई भी कंडीशन में। यहाँ पे वो कंडीशन लगेगी जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में नीचे एम इज ग्रेटर देन वन, जो वर्ड होगा वो उसकी मैयर जो होगी वो ग्रेटर देन वन होगी। जैसे पीछे हम लोग देखा किस तरह मैयर करते हैं वो, और यहाँ पे जो सफिक्स वन है जो एंड हो रहा है वर्ड वो जो है चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा सफिक्स टू में। जैसे कि ई एम ई एन टी ये सफिक्स है और ये चेंज हो जाएगा ई मतलब नल ब्लैंक हो जाएगा, जिसके एंड पे ये वाला वर्ड आ रहा होगा उसको हम लोग नल से रिप्लेस कर देंगे और जो वो वर्ड उसकी मैयर है वो ग्रेटर देन वन होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है रिप्लेसमेंट, इसको वो मैयर करेगा उसी की फॉर्म में वॉवल कॉन्सनेंट की फॉर्म में, और इसकी जो लास्ट इसकी एंडिंग है सफिक्स की ENENT उसको वो रिप्लेस कर देगा नल से, तो ये वर्ड बनेगा रिप्लेस या रिप्लेस कोई भी, और इसकी जो मैयर है वो टू है। नेक्स्ट ये कुछ रूल्स हैं जैसे कि डबल एस और ई एस जहाँ पे होगा उसको रिप्लेस कर देगा डबल एस से, जैसे कि सामने इसके वर्ड है प्रेसेसिव तो उसको वो रिड्यूस कर देगा प्रेस में। इस तरह आई ई एस होगा तो वो आई से रिप्लेस हो जाएगा, इस तरह डबल एस होगा तो वो डबल एस से ही, और जहाँ पे लास्ट पे एस होगा उसको वो नल कर देगा। इसी तरह स्टेप बी में कुछ रूल हैं, और नेक्स्ट आगे भी यहाँ पे स्टेप टू स्टेप थ्री और स्टेप फोर ये रूल हैं। अगर एक स्टेप ए में जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में स्टेप A1A वाला रूल अप्लाई होगा लास्ट वाला एस वाला, उसमें वो एस जो है उसको कट कर देगा नल कर देगा वो कंप्यूटर बन जाएगा। नेक्स्ट उस पे फिर रूल अप्लाई होगा जिसमें लास्ट पे ई आर जैसे स्टेप फोर का थर्ड वाला, उसमें पहले वो कंडीशन चेक करेगा और उसमें ई आर को कट करके नल कर देगा और वो वर्ड बन जाएगा कंप्यूट। वैसे उसके सामने एक कंटेनर है तो वो कंटेनर में ई आर को नल करके उसको वर्ड में रिड्यूस कर देगा उसकी रूट फॉर्म में जो कि कंटेन है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है दो, पहली है इनपुट कंप्यूटेशनल वर्ड है उस पे वो स्टेप टू में परफॉर्म करेगा रिप्लेस कर देगा एशनल को एट से, तो वो वर्ड कंप्यूटेशनल से बन जाएगा कंप्यूटेट। नेक्स्ट फिर स्टेप फोर में
यहाँ पे 8 आ रहा होगा, उसको फिर रिप्लेस कर देगा नल से, तो वो वर्ड बन जाएगा। आउटपुट तो उसकी आएगी, वो आएगी कंप्यूट। जैसे मैं एग्जाम्पल 2 हम देखें कंप्यूटर, तो उसमें भी स्टेप 4 अप्लाई होगा, उसमें वो ER को रिप्लेस कर देगा नल से, तो वो भी वर्ड बन जाएगा कंप्यूट। ये 2 डिफरेंट वर्ड्स थे जो एग्जाम्पल्स थी, कंप्यूटेशनल और कंप्यूटर, लेकिन उसने उस स्टेप्स अप्लाई करके उसको रिड्यूस कर दिया, उसके स्टेम फॉर्म में कर दिया। 2 इनपुट्स थी लेकिन वो एंड हुई स्टेमिंग करके सेम वे से, और वो बन गया एक ही कंप्यूट, दोनों की आउटपुट सेम है कंप्यूट।